हम लोग आज रामनगर दियारा में एकत्र हुए हैं। हम लोग का जो दियारा का मुद्दा है, जो दियारा का जमीन का सर्वे नहीं हुआ है, हम लोग का 14 तक यहाँ का रसीद कटा है, 14 के बाद हम लोग का जमीन का बिक्री नहीं हो रहा है, कोई खरीद नहीं सकते हैं, किन्हीं की बेटी की शादी है, किन्हीं को बेटा को पढ़ाना है, इसमें काफ़ी मुश्किल आ रहा है। हम लोग इस मामले को लेके 19 में भी पूरा लगे थे, माननीय सांसद ललन बाबू 6 महीना में इस मुद्दा को बोले थे कि हम सॉल्व करा देंगे, जमीन का सर्वे करवा देंगे, नापी करवा देंगे, जो भी है, लेकिन 6 साल बीत गया। माननीय विधायक भी इसको संज्ञान ले नहीं रहे हैं, माननीय सांसद से भी हम गुहार कर रहे हैं कि लगभग 7-8 प्रखंड इसमें प्रभावित है और यहाँ की जमीन का सर्वे नहीं हो रहा है। अब बिहार सरकार के द्वारा एक ऐप आ रहा है और ऐप पर सारा जमीन का चहरना है, सारा का खेसरा नंबर, खाता नंबर चहरना है। हम लोग का जमीन का अगर नहीं चहर पाया तो हम लोग बहुत मुसीबत में आ जाएंगे, इसलिए हम लोग आज रामनगर दियारा में जमा हुए हैं। हम लोग आने वाला समय में माननीय मुख्यमंत्री से, माननीय सांसद यहाँ के जो लोकल सांसद हैं राजीव रंजन ललन सिंह से मिलके और इस मुद्दा का समाधान करेंगे। हम लोग सब लोग एकत्र हुए हैं, सब मिलके इस काम में लगे हैं और इसको अंजाम देने का काम करेंगे। आप लोग किस मुद्दा पर यहाँ पर मीटिंग कर रहे हैं? आज हम लोग रामनगर दियारा जो असर्वेक्षित भूमि घोषित किया हुआ है, जिसका रसीद लगान काटना बंद हो गया है, खरीद बिक्री बंद हो गया है, उसी के लिए हम लोग आज जुटे हैं कि आज सर्वे होने की बात सुन रहे हैं कि 20 तारीख से सर्वे होगा पूरे बिहार में। तो हमारा जो ये मौजा है रामनगर दियारा, इसका भी सर्वे हो, इसके लिए हम लोग अपने तरफ से सरकार को और पदाधिकारी को अवगत कराएंगे और सर्वे के लिए हम लोग कोई भी कदम नहीं उठा ऐसा छोड़ेंगे जिससे कि मेरा काम नहीं हो। और कोई बोलेंगे नहीं आप